सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स की, सॉल्युबिलिटी इन्हेंस कैसे करें। तो जस्ट वेरी क्विक, पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया था एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म, और उससे वाली वीडियो में हम लोगों ने लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ा था, उनका इंट्रोडक्शन किया था। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आपको वो वीडियो इस आई कार्ड में आ रही होगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मेरे तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग वो वाली वीडियो भी देखिए और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आप आराम से इस वाले सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन्हेंसिंग टेक्निक की, सॉल्युबिलिटी इन्हेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सॉल्युबिलिटी होती क्या है? तो सॉल्युबिलिटी तो हम सबको पता है, सॉल्युबिलिटी होती है डिजॉल्व करने की कैपेसिटी। जो जितनी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी वो उतनी जल्दी सॉल्युबल होगी, जो देर में डिजॉल्व होगी वो देर में सॉल्युबल होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन्हेंसिंग टेक्निक की इसकी बेसिक क्या है। दोस्तों हम लोगों को तो पता ही है कि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एपीआई जो हमारी ड्रग होती है, और दूसरा होता है व्हीकल, या इसे कहते हैं एक्सीपिएंट भी कहते हैं, इसे एक्सीपिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती है। अब ये एपीआई क्या होता है? एपीआई ये हमारी ड्रग होती है जो हमें ठीक करेगी, जैसे पैरासीटामोल की सिरप में पैरासीटामोल जो ड्रग है वो हो गई आपकी एपीआई, यही आपको बुखार आपका उतारेगी। व्हीकल और एक्सीपिएंट तो होता है इसको पैरासीटामोल को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर देना ताकि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए। पैरासीटामोल्स की तो टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन हमको अब लिक्विड डोसेज बनानी है, तो मैंने इस पैरासीटामोल को किसी लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व कर दिया। और जो लिक्विड फॉर्म है इसका कोई थेरेप्यूटिक यूज़ नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ है कि इसको इसमें डिसॉल्व करना ताकि इसको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को कहते हैं व्हीकल या एक्सीपिएंट। अब हम लोग की बात है कि इस पैरासीटामोल को इस एक्सीपिएंट में डिसॉल्व करना है, तो हम लोग के पास चैलेंज ये आता है कि कभी कभी क्या होती है, कुछ कुछ ड्रग्स के केस में ये जो एपीआई है वो एक्सीपिएंट में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती है, कभी कभी प्रेसिपिटेट हो जाती है या पूरी ही तरह डिसॉल्व नहीं होती है, या मतलब कि बहुत सारी डिसॉल्विंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को कॉन्कर कैसे करें, इन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे हटाएं कि जो हमारी ड्रग है वो पूरी तरीके से हमारे व्हीकल में पूरी 100% तरीके से डिसॉल्व हो जाए और आराम से हम उसको इनटेक कर लें। और मार्केट में भी ऐसा ही होता है, मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जो हमारी जो सिरप होती है, जो आपकी जो सिरप होती है उसमें जो ड्रग होती है वो कम्प्लीटली 100% डिसॉल्व होती है ना, और वो 100% डिसॉल्व होती है और उसको आप आराम से इनटेक कर लेते हैं। तो इस 100% पहुंचने के लिए, क्योंकि सारी ड्रग्स तो 100% डिसॉल्व होती नहीं है, कुछ कुछ ड्रग्स होती है वो 80% होती हैं, तो इसको 100% कैसे ले जाएं, उसको कम्प्लीटली डिसॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए ये हमारा टॉपिक होता है सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक। इन्हेंसमेंट मीन इम्प्रूव करना, बढ़िया करना, तो सॉल्युबिलिटी कैसे हम लोग इम्प्रूव कर दें, ठीक है। तो यही पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट मीन्स जो पार्टिकल्स है जो इसको डिजॉल्व करने वाला, जैसे कि पानी और शक्कर में पानी हो गया सॉल्वेंट और शक्कर हो गई सल्यूट, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सल्यूशन, डैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर एंड पी एच, मीन्स हम लोगों को तीन चीज़ें कॉन्स्टेंट रखनी है, एक रखनी है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है पीएच। तो ये जब तीनों चीज़ें जब कांस्टेंट होगी तब हम लोग मेजर करेंगे सॉल्युबिलिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए सॉल्युबिलिटी उतनी ही इंक्रीज, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, समटाइम्स द एपीआई पुअरली गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, कभी कभी जो एपीआई होता है हमारा ड्रग होता है वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, वो पुअरली डिसॉल्व होता है, ठीक है। सो टू गेट इट कम्प्लीटली डिसॉल्व, इसको कम्प्लीटली डिसॉल्व करने के लिए वी यूज सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक होती क्या है और हमें क्यों यूज़ करनी है। तो सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स की टोटल 6 तरीके होते हैं और उन 6 तरीकों को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला है पार्टिकल साइज रिडक्शन, मीन्स जो पार्टिकल साइज है वो छोटा कर दें। फिर दोस्तों है सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट्स दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। पी एच एडजस्टमेंट, पी एच तो आपको पता ही है पावर ऑफ हाइड्रोजन, उससे को भी हम एडजस्ट करते हैं। को सॉल्वेंसी वो भी हम लोग पढ़ेंगे। साल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन होना। और सिक्स है टेम्परेचर। तो दोस्तों धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो दोस्तों पार्टिकल साइज रिडक्शन में होता है क्या है, अगर आप लोग देखें तो जो शक्कर होती है, जो आपके घर में शक्कर आती है वो इससे
क्यूबिक शेप में होती है, स्क्वायर शेप में, लेकिन अगर आप उस शक्कर को पीस दें और बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में बना दें और तब आप उसको पानी में डिजोल्व करें तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाती है ना, आपने देखा होगा। या आपको, आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक टैबलेट लीजिए और उसको एक गिलास पानी में डिजोल्व करिए और टाइम नोट करिए, और इसी टैबलेट को तोड़ दीजिए, बिल्कुल पाउडर बना दीजिए और फिर पानी में डिजोल्व करिए, तो ये पानी में जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, ये वाला देर में डिजोल्व होगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इसका पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं। जितना हम लोग पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देंगे उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सिंपल सा बेसिक है, स्मॉलर द पार्टिकल साइज मोर द सॉल्युबिलिटी, जितना पार्टिकल साइज स्मॉल होगा उतना ही अच्छी आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज सॉल्युबिलिटी गेट इन्हेंस्ड, डिक्रीज करने से पार्टिकल साइज सॉल्युबिलिटी इन्हेंस हो जाती है और ओवरऑल सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, और जो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको किसी ड्रग को किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका पार्टिकल साइज छोटा कर दीजिए। पार्टिकल साइज मींस उसको कूट के उसका पाउडर फॉर्म बना दीजिए, और पाउडर फॉर्म बना के आप वो तुरंत डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल साइज रिडक्शन, इसमें कोई बहुत बेसिक मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि पार्टिकल साइज रिडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके आगे सर्फेक्टेंट्स। तो दोस्तों सर्फेक्टेंट्स क्या होता है, सर्फेक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन। अभी आप लोग फिजिकल जो आप लोग थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आप लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स में आपको कई बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा कि सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि सर्फेक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन रिड्यूस होने से जो सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन, या तो ये सरफेस टेंशन भी रिड्यूस कर देंगे या इंटरफेशियल टेंशन भी रिड्यूस कर देंगे बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दोस्तों हमारे पास ये था सॉल्यूट ड्रग, ये था दोस्तों हमारे पास सॉल्यूट ड्रग, और ये था हमारे पास सॉल्वेंट। अब ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही थी, ये इसमें डिसॉल्व इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन था, इस वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो रही थी। तो सर्फेक्टेंट्स करेंगे क्या, इस सरफेस टेंशन को पूरी तरह से हटा देंगे या रिड्यूस कर देंगे, बहुत रिड्यूस कर देंगे कि वैल्यू जीरो के करीब आ जाए, और जैसे ही ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो सॉल्युबिलिटी जो है अपनी इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सर्फेक्टेंट। पीएच एडजस्टमेंट, पीएच तो आपको पता ही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये आपकी ड्रग है, ये आपकी एसिडिक है, और ये जो आपका सिस्टम है ये बेसिक है, जो सॉल्वेंट है आपका बेसिक है और जो ड्रग है वो एसिडिक है। तो बहुत रेयर केस में या कभी कभी केस में क्या होता है, ये डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो हम लोग करते क्या है, ये एसिडिक है तो ये भी एसिडिक ले लेते हैं, अब ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो ये आराम से डिसॉल्व हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी हो जाता है, कभी कभी इसमें भी होता है, तो हम लोग को ड्रग के हिसाब से देखना पड़ता है। कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जो एसिडिक होती हैं और बेसिक मीडियम में डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जो बेसिक होती हैं वो एसिडिक में डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं जो एसिडिक होती हैं और एसिड ही में ही डिसॉल्व होती है। तो ये ड्रग टू ड्रग डिपेंड करता है, किसी एक ड्रग को हम बोल नहीं सकते कि ये ऐसा होता है, ये ड्रग टू ड्रग डिपेंड करता है और हम लोग को इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा लैब में, ठीक है। तो पढ़ते हैं, मेनी ड्रग्स आर ईदर बेसिक और एसिडिक, या तो ड्रग्स बेसिक होगी या एसिडिक होगी, न्यूट्रल भी हो सकती है, हम लोग यहाँ पे एसिडिक बेसिक की बात कर रहे हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज ड्रग्स डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है इन ड्रग्स की पीएच पे डिपेंड करती है सॉल्वेंट के, पीएच उसका बेसिक है कि एसिडिक है। कुछ ड्रग्स है जो एसिडिक पीएच में डिसॉल्व होती है, कुछ ड्रग्स है बेसिक पीएच में डिसॉल्व होती है, तो भाई हम लोगों को देखना पड़ता है। सो बाय एडजस्टिंग द पीएच सॉल्युबिलिटी इट्स एडजस्टेड, मीन्स पीएच को चेंज करके, पीएच को एडजस्ट करके हम लोग सॉल्युबिलिटी को भी एडजस्ट करते हैं कि वो ड्रग डिसॉल्व हो जाए, है ना। मैं बता चुका हूँ कुछ कुछ ड्रग्स एसिडिक में डिसॉल्व होती है, कुछ कुछ बेसिक में डिसॉल्व होती है, तो हम लोग को पीएच देखना पड़ता है कि कौन सा पीएच इसमें लगाया जाए, ठीक है। फिर आता है कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी क्या होता है पढ़ते हैं, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बाय एडिंग अ कोसॉल्वेंट। कोसॉल्वेंट देखिए समझते क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमारा ये है हमारी ड्रग, ये है हमारा
सॉल्वेंट, ठीक, हमें इसको इसमें डिसॉल्व करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ड्रग इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो हमने किया क्या, हमने को सॉल्वेंट लिया। एक को सॉल्वेंट एक ऐसा लिक्विड प्रिपरेशन होता है, जैसे इसमें जैसे ही मैं इसमें डाल दूंगा ये, तो कुछ जैसे मैं इसको डाल दूंगा और इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, तो यहाँ पे जो ड्रग है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। पहले ये अकेले सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर को सॉल्वेंट डाला और इनको मिक्स किया, तो ड्रग जो है वो तुरंत डिसॉल्व हो गई। तो इसे कहते हैं को सॉल्वेंट, और इसे इस टेक्निक कहते हैं को सॉल्वेंसी मेथड। तो यही है कि ये टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, इथेनॉल, ग्लिसरॉल, मतलब कि कोई सॉल्वेंट है उसमें हमारी ड्रग डिसॉल्व नहीं हो रही, तो हमने उसमें इथेनॉल डाल दिया, तो इथेनॉल डालते ही जैसे मिक्स किया तो आप ड्रग उसमें तुरंत डिसॉल्व हो जाती है। यही होता है कोसॉल्वेंसी, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। और फिर है हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन। तो मोस्ट एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स आर सॉल्यूबल व्हेन दे आर डिसॉल्व इन सॉल्ट फॉर्म, मीन्स अगर हम लोग ड्रग का सॉल्ट फॉर्म बना दें तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है एज कंपेरिजन टू जो ओरिजिनल फॉर्म था। सो बाय फॉर्मुलेशन ऑफ सॉल्ट इन द गिवन सॉल्वेंट वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। सो मीन्स मेरे पास एक ड्रग है, आप देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ड्रग है, मुझे इसमें डिसॉल्व करनी है, लेकिन ये इसमें डिसॉल्व हो नहीं रही है, तो मैंने क्या किया, इसका सॉल्ट फॉर्म बना दिया, इसका सॉल्ट फॉर्म बना दिया, और अब जैसे ही इस सॉल्ट फॉर्म को मैंने इसमें डाला तो ये तुरंत डिसॉल्व होना शुरू हो गई, पहले में नहीं हो रही थी अब हो गई। तो सॉल्ट फॉर्मेशन से हमें काफ़ी मदद मिल सकती है कि सॉल्ट फॉर्मेशन से हम लोग जो है अपनी जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर दें। और सिक्स्थ, तो सॉल्ट फॉर्मेशन ये रहा, और सिक्स्थ है टेम्परेचर। तो दोस्तों आपने तो ये देखा ही होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गर्म पानी में अगर आप शक्कर मिलाए तो तुरंत मिल जाएगी, और ठंडे पानी मिला तो उतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वही लिखा है, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कैन बी इन्हांस्ड। तो ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। तो ये दोस्तों हमारे 6 पॉइंट्स हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक का। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड प्लीज़ वॉच फॉर मोर।